मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने किसी नई योजना या नई टैक्स घोषणा नहीं की। यह अंतरिम बजट 4 महीने के लिए लागू रहेगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने जो लेखा अनुदान पेश किया है उस पर चर्चा कल यानी मंगलवार को होगी। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अभिभाषण पर सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की उपलब्धियां इस पर बताई। योजना जो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के व्यय के लिए वो निरंतर चलती रहे उसके लिए 4 माह का ये लेखानुदान हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज प्रस्तुत करेंगे और इसमें चर्चा होगी और इसको पास करवाएंगे। जितनी योजनाएं चल रही है उन सबके लिए भी इसमें प्रावधान सर। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं की जा रही मध्य प्रदेश में और कर्ज लेकर ज्यादा। कौन सी गारंटी पूरी नहीं हो रही है? मुझे लगता है मोदी की सारी गारंटी पूरी हो रही है। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास इस काम को पूरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो बिल्कुल मोदी जी ने कहा और नहीं हुआ। सब काम हो रहे हैं सर जो प्रदेश सरकार। तो लेखानुदान पेश किया गया, हालांकि कोई नया बड़ा ऐलान नहीं दिखा। 4 महीने तक ये लेखानुदान एक तरह से अंतरिम बजट जो है वो लागू रहेगा और इसके बाद फुल बजट जो है वो पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से आगे।